हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्त, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि बाइक टैक्सी वाले राइडर अगर आपके साथ में मनमानी और बदतमीजी करते हैं तो आप उनकी कंप्लेन किस तरीके से कर सकते हो। आप कोई सी भी बाइक टैक्सी यूज़ करते हैं, लाइक ओला, ऊबर, रैपिडो, जो कि आजकल तो चर्चे में है, बहुत ज़्यादा फेमस ही है। इनमें से किसी भी आप बाइक टैक्सी को यूज़ करते हैं तो मान लेते हैं राइडर आपके साथ में बदतमीजी करता है, आपके साथ में अच्छे से पेश नहीं आता है, मिसबिहेव करता है, या फिर कुछ छोटी छोटी बात के लिए आपसे बहस करता है, झगड़ा करता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिस हिसाब से भी आपको लगता है कि ये राइडर आपसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट किस तरीके से कर सकते हैं, सही तरीका क्या होता है, उसी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। साथ में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी गलती के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा कि लोग करते क्या हैं। जो कस्टमर्स होते हैं उनको जब कंप्लेंट करना होता है कोई भी बाइक टैक्सी से रिलेटेड, किसी भी राइडर से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं कि वो गलत तरीके से कंप्लेंट कर देते हैं। एक गलत तरीका है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, फेमस भी है, ज़्यादातर लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं, गलत तरीके से कंप्लेंट करते हैं और फिर होता क्या है कि फंस जाते हैं भाई। वो बहुत लोगों के साथ में बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है, बहुत लोगों का डेटा लीक हो जाता है, बहुत 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 तरीके की आप समझ नहीं सकते हो। ऑनलाइन इतने सारे स्कैम्स, इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो अगर आप गलत वे में चले जाते हो। तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको जो कि अवेयर करूंगा। तो दोस्त, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करिए, नीचे आप कमेंट भी आप एक बार जरूर से जो है कि करिएगा। हमने एक जो है कि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जिसमें हम छोटे छोटे अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। आप अगर एक राइडर हो तो आपको वहां से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर ही मैं डाल दूंगा, वहां से जा करके आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और चेक करिए, ठीक है। तो लोगों को कंप्लेंट दर्ज करनी होती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, रैपिडो का कोई ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर नहीं है कि वो प्रॉपर नंबर आपको दे दे कि उस पर कॉल करके आप जो है कि कंप्लेंट वगैरह करो। जी नहीं, रैपिडो कंपनी या फिर किसी भी बाइक टैक्सी का ऐसे कोई नंबर नहीं होता है। तो लोग करते क्या है कि गूगल पर जाते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं रैपिडो कस्टमर केयर नंबर या फिर रैपिडो कंप्लेंट नंबर, इस तरीके से करके लोग वहां पर जाकर के सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद में गाइज हमने भी क्या किया, हमको भी कंप्लेंट दर्ज करनी थी, शिकायत दर्ज करनी थी, हम भी जो है कि गूगल पर चले गए। गूगल पर जाने के बाद में वहां पर हमने जो है कि यही चीज़ें सर्च की, रैपिडो कस्टमर केयर नंबर। जब हमने ये चीज़ें सर्च की तो हमें एक नंबर मिला, ठीक है। ये जो नंबर है इधर मैं आपको स्क्रीन पर ही यहाँ पर बगल में शो कर दूंगा, ये नंबर हमें मिला। रुक जाओ, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, ये एक फ्रॉड नंबर है। ये नंबर हमें मिला। अब लोग कर क्या रहे हैं, इस नंबर के साथ में फ्रॉड क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कर क्या रहे हैं, लोगों को पता है कि जैसे जोमैटो स्विगी के साथ में भी लोग ऐसा ही करते हैं, जोमैटो स्विगी ने कोई भी अपना कस्टमर केयर नंबर जो है कि नहीं इशू किया हुआ है, तो वो लोग करते क्या है, इसी तरीके से रैपिडो ने भी कोई भी अपना कस्टमर केयर नंबर नहीं इशू किया हुआ है। तो ये लोग करते क्या है कि ये लोग चलाते हैं एड्स, यानी कि एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और अपना मोबाइल नंबर इस तरीके के कीवर्ड पर ऐड के थ्रू रैंक करवाते हैं। जैसे लोग सर्च करते हैं नहीं, जोमैटो कस्टमर केयर नंबर, स्विगी कस्टमर केयर नंबर, रैपिडो कस्टमर केयर नंबर, ओला कस्टमर केयर नंबर, इस तरीके से लोग सर्च करते हैं। तो इन तरीके के कीवर्ड को ये लोग टारगेट करके जो है कि गूगल पर अपने नंबर को जो है कि सबसे ऊपर ही रैंक करवाते हैं। तो जब भी आप जा करके ऐसा सर्च करोगे जोमैटो कस्टमर केयर, रैपिडो कस्टमर केयर, ओला कस्टमर केयर, स्विगी कस्टमर केयर, तो आपको इसी तरीके के फर्जी और फ्रॉड नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि हमको मिल गया। अब हमने जो है कि इस नंबर पर कॉल किया, ये भाई साहब बोल रहे थे कि हम मुंबई से बात कर रहे हैं और रैपिडो के हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं और हम जो है कि क्या करते हैं, कस्टमर से 10 रुपए की छोटी सी रकम लेते हैं जो कि एक ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपको बस 10 रुपए हमें UPI पर सेंड करना है, वो एक फॉर्मेलिटी है। 10 रुपए लेने के बाद में हम आपकी कंप्लेंट को रैपिडो कंपनी में दर्ज करके आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। हमने कहा ठीक है। ये सुनते ही हमें पता चल गया कि ये एक फ्रॉड बनता है। इन भाई साहब ने क्या बोला कि अपना इधर उधर की पहले लंबी लंबी बातें की, उसके बाद में बोला कि आप एक काम करिए, आप अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर पर आप जो है कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए जिसको कि एनी डेस्क बोला जाता है। एनी डेस्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इन्होंने बोला कि आप जो है कि उसको इंस्टॉल करो। तो हमने कहा कि ठीक है सर, इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने सॉफ्टवेयर एनी डेस्क को इंस्टॉल किया। अब ये भाई साहब उसमें अपना बताने लग गए, तो एक टाइम पर जाकर के हमने इनको पकड़ लिया और फिर हमने बोला कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा फ्रॉड है। जो मान लो हमें तो जानकारी थी तो आप हमें नहीं फंसा पाए, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो तो फंस जाएंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ ये भाई साहब कर क्या रहे थे। देखिए एनी डेस्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए आप किसी के भी सिस्टम का एक्सेस अपने जो है कि सिस्टम पर ले सकते हैं। मतलब अगर आपने उसमें जो है कि एंटर कर लिया उसके सिस्टम में एनी डेस्क के थ्रू, उसमें एक सिक्योरिटी कोड कुछ की होती है, उसको डालने के बाद में वो कंट्रोल हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने एक्सेस को ले लिया तो फिर इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर से आपके सिस्टम से उस बंदे का एक्सेस हो गया, फिर वो सारा कुछ कंट्रोल करेगा आपके सिस्टम पर। मतलब सारा ही कुछ, आप जो सोच नहीं सकते सब कुछ एक्सेस कर लेगा उसमें, जो भी आपका प्राइवेट डेटा होगा सब लीक हो जाएगा सारा कुछ। ऐसा ही कुछ लोग फोन के साथ में भी करते हैं, फोन में भी ऐसे ही कुछ एक्सेस वाले एप्लीकेशन आते हैं, उनके जरिए वो आपके फोन का एक्सेस ले लेंगे। चलिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका आपको बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा पेमेंट करो, इस पे पेमेंट करो, यहाँ क्लिक करो, इस लिंक पे करो, उस लिंक पे करो। आप चूंकि आपको तो जल्दी आप हड़बड़ी में आपको रजिस्टर करना है, आपको तो गुस्सा आया है राइडर के ऊपर कि जितना जल्दी हो सके इसका मैं जो है कि शिकायत पहले दर्ज करवाऊँ तो इसकी मैं खबर लूँ, तो आप फटाफट से सारा प्रोसेस कर दोगे और आपका बैंक अकाउंट 2 सेकंड में हो जाएगा खाली, सारा पैसा हो जाएगा छुमंतर। तो इस तरीके का कुछ सीन ये भाई साहब जो कि करने वाले थे। एक्चुअल में रैपिडो या फिर और भी किसी बाइक टैक्सी में शिकायत दर्ज करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले आपको माई राइट्स वाले ऑप्शन पर जाना है। आप चाहे रैपिडो, ओला, उबर, किसी भी कंपनी से आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, बाइक टैक्सी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले माई राइट्स का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर जाना है। उसके बाद में आपको नीचे एक आपको कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर सिंपल सा आप क्लिक करिए। कस्टमर सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इस ऑप्शन में आपको जो भी सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि राइटर ने आपके साथ में क्या किया, क्या मिसबिहेव किया, वो सारा ऑप्शन जो है कि आप सेलेक्ट करें। इस तरह जो है कि आप अपनी शिकायत को जो है कि दर्ज करेंगे और आपको इससे जो है कि सॉल्यूशन भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्त बाइक टैक्सी के खिलाफ शिकायत करने पर अगर एक्शन ना हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मैंने पॉइंट यहां पर जो है कि नोट किए हुए हैं, कंपनी के साथ आपकी जो भी बातचीत हुई है उसको आप रिकॉर्ड जरूर करें। मान लेते हैं आपने शिकायत को दर्ज किया, उधर से आपको कॉल आता है, उसके बाद में जो कंपनी से आपकी बातचीत होती है उसको आप जो है कि रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रखें, ठीक है। मेल से या फिर टेक्स्ट मैसेज के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी रखें, मतलब मेल्स का भी स्क्रीनशॉट रखें, टेक्स्ट मैसेज कोई आता है उसको भी रखें, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको जरूर से रखना चाहिए। इसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। मान लेते हैं आपने शिकायत किया, आपका कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो एक कंज्यूमर कोर्ट होता है, वहाँ पर भी आप उसका नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, वो जेन्युइन है, ठीक है। वहाँ से आप जो है कि बता सकते हो, चूंकि आप एक कंज्यूमर हो, आपको सही सर्विस कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, तो आप उसका जो है कि शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगर ड्राइवर बदसलूकी करे और हेलमेट ना पहने तो आप सिंपल सा पुलिस कंप्लेन कर दो, मतलब ड्राइवर आपसे बदतमीजी कर रहा है, हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ है, या फिर रश ड्राइविंग कर रहा है, इधर उधर से बदतमीजियाँ कर रहा है, तो आप सिंपल सा पुलिस कंप्लेन कर दो, ये तो सबसे आसानी होता है। ये कर दोगे तो ज़्यादा इधर उधर कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। तो दोस्त इस तरीके से आप कंप्लेन करिए, गलत तरीकों में मत फंसिए। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। हम और किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।